जय श्री राम। मैं अभी पीछे से भगवान श्री राम के दर्शन करके आ रहा हूँ जरा मूवी के, और मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े विशाल जो है ना पत्थर रखे हुए हैं, एक भव्य मंदिर का निर्माण पीछे चल रहा है। मंदिर के अंदर को किसी भी तरह का कोई मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो कुछ नहीं ले जाने देते हैं, तो सारे भारत हम अंदर शूट नहीं कर पाए। लेकिन मैंने भव्य दर्शन किए भगवान श्री राम के, और एक बहुत ही शानदार का मंदिर का निर्माण पीछे चल रहा है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठिष्णुता भराची, जय देव जय देव जय देव जय देव। पंडित जी, संध्या काल में हम यहाँ सरयू के तट पे पीछे रामपौड़ी है यहाँ है, तो इस जगह का आप महत्व बताइए जिससे कि हमारे दर्शक आने वाले जो हमारी वीडियो देख के अयोध्या दर्शन को आए उन्हें कुछ और जानकारी हम दे पाए इस वीडियो के। जय श्री राम। बहुत अच्छा प्रश्न आपने हमसे किया है। हम अभी संध्या का समय हो चुका है, हम सभी मंदिरों का दर्शन करते हुए, जिसमें हमने सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन किया, फिर उसके बाद हमने श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया, फिर हम कनक भवन का दर्शन करके अब अंदा वे कई सारे मंदिरों का दर्शन किए उठते, जैसे तिवारी मंदिर हो गया, राज सदन अयोध्या हो गया, और तुलसी उद्यान हो गया। फिर हम रामपैड़ी का दर्शन करते हुए बगल में बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, नागेश्वरनाथ महादेव का मंदिर, हम उसका दर्शन करेंगे। और ये आप देख रहे हैं सामने ये रामपौड़ी, जो कालांतर में सरयू जी की धारा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया ऐसे ऐसे सरयू जी ने अपनी दिशा भी बदल ली, तो इसलिए तटबंध बन गया। सरयू जी उस पार हैं अभी, पंपिंग के द्वारा श्री हमारे उत्तर प्रदेश के SSB मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से इस रामपौड़ी का फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं जल का प्रवाह बड़ा सुंदर है, लोग स्नान करते हैं, आस्था का केंद्र है, और बाबा भोलेनाथ को इसी जल से अभिषेक करते हैं। बगल में महाराज भोलेनाथ का शिवलिंग का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, जो महाराज कुश के द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसी मान्यता है। जय श्री राम। महाराज कुश जो कि भगवान राम के पुत्र थे। जो है दीपोत्सव हुआ था अभी कुछ समय पहले, तो क्या इसी जगह हुआ था दीपोत्सव या कहीं और हुआ था? श्रीमान जी, ये वही स्थान है जहाँ पर दीपावली पे 5 दिन लगातार लेजर शो हुआ, और ये जो आप जल की धारा देख रहे हैं कलकल करती हुई माँ सरयू जी की धारा है, जो पंपिंग द्वारा पानी निकाल के इस तरफ डाला जाता है और जल प्रवाह चल रहा है। इस दोनों तरफ दीपोत्सव हुए थे। इस बार दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा गया, 11 लाख दीपों से दीपोत्सव मनाया गया, और 5 दिन तक लेजर शो हुआ है। ये उसी स्थान पे है, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और जो इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से इसका दर्शन करेंगे वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मानसिक रूप से अयोध्या का भ्रमण करेंगे। जय श्री राम। ये वही स्थान। पर बना हुआ पुल है, उसी पर चलते हुए हम लोग सरयू जी की आरती का दर्शन करने सरयू जी के तट पर चल रहे हैं। और आप आरती जो होती है सरयू के तट पर उस तरफ होती है, मतलब ये अलग चीज़ है और वो दूसरी चीज़ है। कभी कालांतर में यही सरयू जी की धारा थी, तो समय के साथ धारा बदलती चली गई, आगे चलेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं सरयू जी के प्रोक्षण करेंगे, थोड़ा आगमन करेंगे, फिर उसके बाद आरती दर्शन।
महाराज जी।